भाई और बहनों, मैं हूं सीएस स्वप्निल पाटनी। आज मैं किसी खास विषय को लेकर आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और शायद से ही भारत में कोई ऐसा जैन व्यक्ति होगा जो इस तस्वीर को न जाने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की। जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना होता है, जैसे हिंदुओं के लिए हरिद्वार होता है, और वैसे ही जैनियों के लिए सम्मेद शिखर जी होता है। देखो, वैसे तो कहने के लिए हर इंसान एक ही है, पर दोस्तों हर एक धर्म को अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने अपने देवताओं को पूजने का भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस सिद्ध क्षेत्र पे बहुत बड़ी आंच आई है। झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करी है, और दोस्तों हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, एक जैनी होने के नाते हम किसी को भी यह मंजूर नहीं कि जिस चीज पर हमारी इतनी आस्था है, जिस चीज पर हमारी इतनी भावना है, कैसे भारत सरकार, कैसे झारखंड सरकार इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर सकता है। मैं आप सभी से, एक जैनी होने के नाते, हम सभी लोग जो महावीर भगवान के अनुयायी है, हम आपसी विवादों को छोड़े, हम श्वेतांबर दिगांबर ना बने, हमें सिर्फ जैनी बनना है। हमें सबको साथ में आकर अब स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को कह देना है कि अब सारे जैनी एक साथ है। इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर कोई भी आंच हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार हम सबको साथ में आना होगा। अपने आपसी विवादों को बंद करते हुए, भुलाते हुए, हम सबको साथ में आने का वक्त आ चुका है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस मुहिम में जुड़ते हुए, सरकार पर उतना ही दबाव हम लोग बना सकते हैं। खास सूत्रों के मुताबिक अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा पिटीशन इस चीज के लिए लोग रजिस्टर कर चुके हुए। अगर आपने अभी तक भी इस पिटीशन में आपने आपको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो आप इस वेबसाइट पर जाए जिसका नाम है saveshikharji.com, और वहां पे जाकर आप इस पिटीशन को दाखिल करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटीशन बनाएं और भारत सरकार और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएं। दोस्तों, अगर एक छोटे से पर्वत की बात होती तो हम जैनी लोग उसको ऐसे ही डोनेट कर देते, पर अब की बार बात एक छोटे से पर्वत की नहीं, बात है 20 तीर्थंकरों के मोक्ष की। दोस्तों, हमारे लिए वो आस्था का स्थान है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मुहिम में जुड़े, इसकी जागरूकता बढ़ाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जिन लोग को अभी तक यह पता नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आखिर आपको भी समझ में है इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, हमारी आस्था के साथ में, हमारी श्रद्धा के साथ में। दोस्तों, देखिए ये इनजस्टिस क्या हुआ है, आपको भी डिटेल में पढ़ना चाहिए। वैसे तो बहुत सालों पहले इस बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत वहां के झारखंड सरकार ने इस पूरे जो पावन भूमि जो जैनों की होती है, उसको ये बता दिया कि वो जैनों की नहीं है, वो वहां के स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। ये हमारे ऊपर इनजस्टिस यही हुआ कि उन्होंने जैनों के सेंटीमेंट्स को इग्नोर किया है। हम क्या चाहते हैं, इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने उसको एक पर्यटक स्थल बोलकर घोषित किया ताकि उस एरिया की ग्रोथ हो। दोस्तों, एरिया ग्रोथ करना ही है तो झारखंड में और भी बहुत सारी जगह है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र ही क्यों, जहां पे हमारी बहुत आस्था है, हमारी बहुत श्रद्धा है। आप सभी लोगों को यह बात समझना होगी और आगे आना होगा। आप सभी ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। God bless you.